हेलो गाइस, हाउ यू? आई होप योर लाइफ इज गोइंग गुड। वेलकम बैक इन माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, जैसे आज है संडे और आपको पता है कि मेरे मैक्सिमम जो ब्लॉग्स हैं वो संडे को ही आते हैं, और आज वो दिन आखिरकार आ रखा है और आज नेचर है बिल्कुल अपने फेवर में है। और आज जो मौसम है ना, मौसम एकदम नेक्स्ट लेवल है यार, माइंड को ग्लो करने वाला। आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, हल्की हल्की बारिश हो रही है। सो मैं अपने टायर पे आया हूँ वीडियो शूट करने के लिए। सो भाई, ऐसा नज़ारा है कुछ हमारे टायर का। वाओ, सो भाई आज का जो ब्लॉग है ना, बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। आज हम एक ऐसी जगह जाने वाले हैं जिसके बारे में आपने बिल्कुल भी नहीं सुना हुआ। एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ, आज हम जाने वाले हैं हमारे सांबा से अप्रॉक्स कोई 5 किलोमीटर दूर, वहाँ पे एक स्विमिंग पूल है जो कि रिसेंटली खुला हुआ है। उनके ऑनर से मेरी बात हुई है, तो उन्होंने मेरे को जगह के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन शेयर करी है। अभी हम लोग वहाँ पे जाएंगे, देखेंगे वहाँ का एक्सपीरियंस किस तरह का रहने वाला है। और हाँ, अगर कोई यार हमारी लोकेलिटी में कोई ऐसा बंदा कोई लीक से हटके कोई काम करता है ना, तो कसम से उस बंदे को दिल से सपोर्ट करने का मन करता है। सो मैं भैया की जिन्होंने वो बनाया हुआ है, एक्चुअली उनका नाम BS मून फॉर्म है। सो साइड में आ रहा होगा उनका इंस्टाग्राम लिंक, जाके पेज को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर और फॉलो करना है। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गो फॉर इट। शावाश कर, बहुत अच्छे। बाहर निकली आज वाओ, वेरी नाइस यार। गाँव में ऐसी चीज मिलना मतलब सोने पे सुहागा। कितनी प्यारी लोकेशन है यार। ये तालाब है और इसके किनारे किनारे इन्होंने पेड़ लगाए हुए हैं, वो सामने केले के पेड़ लगाए हुए हैं। और ये एक बोटिंग है, ये भी फैसिलिटी के लिए अवेलेबल है, लेकिन हम नहीं करेंगे। तो हमने करने में, और मैंने एक ट्रक की ट्यूब ली है, इसके एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। सही यार, कितना मज़ेदार बनाया हुआ है। सो इस तरह की लोकेशन पे कुछ एक ये पॉइंट है, इसमें इन्होंने फिशरी वगैरह के लिए रखा हुआ है।
छाती आइए मैं अभी अंदर तो गाइस देखिए ये क्या कर रहे हैं। मैं लगा अंदर जगह का नाम है पेंठी, जो कि सांबा से अप्रॉक्स कोई 5 किलोमीटर दूर है। भाई ने वो बनाया है ना, कसम से एकदम नेक्स्ट लेवल बनाया और एकदम जंगलों के बीचों बीच बनाया उस बंदे ने। और यार क्या बताऊँ यार, जितनी तारीफ की जाए ना उस जगह की इतनी कम है। और मैं कहता हूँ कि आप अब आप सबके दिमाग में बड़े सारे क्वेश्चन होंगे, लाइक वहाँ का फीस क्या है या फिर और क्या क्या फैसिलिटीज़ है। जो जो फैसिलिटीज़ है मैं ऑलरेडी रिवील कर चुका हूँ इसमें, लेकिन हाँ आपका टिकट कितने का लगेगा वो मैं रिवील नहीं करूँगा, क्योंकि वो मेरे को भैया ने मना किया है, क्योंकि वो सब एक ट्रायल बेस कर रहे हैं। लेकिन हाँ एक चीज़ मैं बोल देना चाहता हूँ कि जो भी है सारा का सारा वर्थ इट है, ठीक है। आपको वहाँ जाके ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ यार आपसे टिकट ज़्यादा लेके, मैं ये चीज़ बोल देता, अगर आप 100 भी लेके जाते हो ना तो आप पूरी फैमिली को इन्जॉय करा सकते हो। सो मतलब कि उनके जो प्राइस है ना एकदम जेन्युइन है यार, मतलब कोई इन्हें बीट नहीं कर सकता इस चीज़ के लिए। अप्रिशिएट करता हूँ उनके इतने अच्छे एफर्ट्स के लिए, ठीक है। सो इसी के साथ आज का ये जो ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ। बहुत जल्दी मिलता हूँ एक नेक्स्ट और अच्छे ब्लॉग के साथ। सो कीप लविंग एंड बाय बाय।